वीडियो शूट करने का पर्पज़ ये है कि इस रूप से मतलब नासिक टू मुंबई हम लोग बचपन में जब नानी के गांव घर जाया करते थे उस टाइम की एक अलग ही खुशी होती थी यार ये ट्रैवल करने की सच में। तो बस इसीलिए आज सोचा नासिक से कल्याण जा रहा हूँ, ऑडिट और अकाउंट्स का काम है तो बार बार जाना आना पड़ रहा है क्लाइंट के पास, तो सोचा चलो इसी को आज शूट कर लेते हैं भाई ट्रैवल जर्नी को। इसी तरह काफ़ी नासिक में रहने वाले ऐसे लोग होंगे जो नासिक टू मुंबई ट्रैवल करते होंगे वाया पंचवटी ट्रेन, तो इसी वीडियो के ज़रिए उनकी भी कुछ याद ऐसी बहाने ताज़ा हो जाए। और हाँ, मैं जो डोर पर खड़ा हूँ तो ये हम लोग ट्राईपॉड के साथ शूट कर रहे हैं और पीछे मेरे फ्रेंड मुझे होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग डोर के पास ना खड़े हों और ये ना हो कि भाई डोर में खड़े होकर शूट कर रहे हो, ये हो तो मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया। ओके, सेफ्टी से जाएं, अपनी सीट पर बैठें और सही से ट्रैवल करें। ट्रेन का रूट चार्ट है, हम लोग नासिक रोड से कल्याण जा रहे हैं। टीसी सर है उसके पीछे कुआ वाला। ट्रेन के अंदर मिलने वाला नाश्ता पोहा और वेज सैंडविच रहता है। पोहा 30 का है, वेज सैंडविच में भी 35 और 40 का कुछ मिलता है। इनकी पैकिंग फर्स्ट क्लास रहती है, फ्रेश एकदम नाश्ता रहता है। पोहे में टमाटर तो मैं बाहर कई दफ़ा खाया हूँ, घर में बचपन से हम लोग पोहा खा रहे, कभी टमाटर तो नहीं डला, लेकिन चिल्ले भी डाल रहे हैं तो इनका भी एक अलग स्टाइल होगा बनाने का। पोहे का टेस्ट ठीक था, बहुत अच्छा नहीं था, बहुत बुरा भी नहीं था, ठीक था। इगतपुरी स्टेशन, बचपन जब नानी के घर जाया करते थे तो यहाँ पर वड़ा सांभर और इडली खाते थे, ये फेमस नाश्ता यहाँ का। इस तरह सफ़र में चाय, वड़ा पाव, समोसा, ये देखिए जो बेचने वाले आ रहे हैं, ये सब का भी अपना अलग ही मज़ा था, इसमें अलग ही मज़ा आता है सच में। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बहुत खुश हुआ करते थे बचपन में। ये देखिए मेदू वड़ा और इडली 20 रुपये ना, 20 रुपये में इगतपुरी का गर्मा गर्म नाश्ता। ट्रेन में बैठते से इस चीज का इंतजार करते थे बचपन में, देखिए सॉफ्ट फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म नाश्ता। विंडो सीट पकड़ के इन नज़ारों को देखने के भी अपने अलग ही मज़े हुआ करते थे। कसारा घाट आता था, विंडो सीट देख रहे हैं, आवाज़ लगा रहे हैं, ये देखिए। अब तो जर्नी स्टार्ट होती है, एयरफोन लगा लिया, बस अपना स्टेशन आया उतर जाते हैं। पहले इस तरह ट्रेन रुकती थी लगता था पेट्रोल ख़त्म हो गया रहेगा, टायर पंक्चर हो गया होगा, बस ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे। ऐसे बीच रास्ते में कोई स्टेशन के बिना जब ट्रेन कहीं रुक जाती थी जंगल वंगल में, ऐसा फील होता था। तर मग नाशिक करांनो, तुमची जर अशी जुनी आठवणी आज रिकॉल झाली असेल या व्हिडिओला पाहून तर प्लीज व्हिडिओला लाईक करा। युजुअली मी कुकिंग व्हिडिओज टाकतो माझ्या चॅनलवर,
पण आज म्हटलं चला नाशिक ते कल्याणला आपण जात आहे तर त्याची शूटिंग करून टाकून देऊ. इस तरह के टनल्स गार आते थे तब चिल्लाते थे, आवाज़ लगाते थे, पर उस टाइम का एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होता था. इसे देखिए, लगता है फिर पेट्रोल ख़त्म हो गया है. ट्रेन का सिग्नल लगता था जैसे हरी झंडी लाल झंडी लेके खड़े रहते हैं ना, तब ये भी होता था कि यार वो मतलब रुका रहा है तो क्यों रुका रहा है, वो चढ़ तो नहीं रहे अंकल, तो फिर वो रुका किस लिए रहे और कौन उतर रहा है, कौन यहाँ पे चढ़ रहा है जो रुक रही है ट्रेन, ये सब अपना अलग अलग उस टाइम का मज़ा था. एक्चुअली देखते हैं आगे, अब मे बी अब तो सब डिजिटल हो गया तो सिग्नल होगा, वही अगर झंडी वाला सिस्टम रहा तो बहुत अच्छी बात है. हाँ चलिए, वही झंडे वाला ही सिस्टम है. ये देखिए अब ग्रीन सिग्नल मिल गया है, ट्रेन हमारी फिर से चलने लगी. कितना गोल्डन वो दौर था, हम कैसे छोटी छोटी ख्याल आते, ऐसी कुछ खुशियों में हम लगे रहते थे. जो 90s के मेरे साथ के जो इस वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें शायद हंसी आ रही होगी, लेकिन भाई आजकल के बच्चे तो सब डिजिटल हो गए, आज तो ये सब कुछ रहा नहीं, लेकिन असली मज़ा जो था वो हम लोग ने इस तरह से लिया है. ये आता था सबसे बड़ा गार, सबसे बड़ा टनल रहता था, आवाज़ लगा देते हैं, थोड़ा थोड़ा डर भी लगता था, अंधेरा हो जाता था. तो आज एक्चुअली वीडियो बनाने के चक्कर में मैं काफ़ी सालों बाद इन सब चीज़ों को वापस से फील कर रहा हूँ, तो मेरा भी वही रेगुलर हो गया था, बस बैठे अपना ईयरफोन लगाया निकल लिया. चलिए अच्छा, इसी बहाने वीडियो के बहाने एटलीस्ट पुरानी यादें बचपन की कुछ ताज़ा हो गई. और नाशिक के जो लोग इसे देख रहे होंगे और जो पंचवटी से ट्रैवल करते होंगे नाशिक टू मुंबई में, भी वो लोग की भी कुछ बचपन की यादें इसी तरह ताज़ा हो गई हो. ये आया कसारा, देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे से गांव टाइप है, यहाँ के लोग मतलब इनकी लाइफ कितनी हार्ड होगी. हम सिटी में रहते हैं, हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो अवेल नहीं होती है, तो हमें लगता है यार कितना ये मुझे उधर जाना पड़ रहा है, इतनी दूर है ये वो, ये लोग की लाइफ कैसी होगी यार. पर इसके बाद भी हमसे ज़्यादा फिट फाइन हेल्दी और खुश रहते हैं, मे बी आप लोग भी इसे 100% एग्री करोगे. ये आ गया कसारा. जो लोग पंचवटी से नहीं जाते हैं और मुंबई जाना हो तो मोस्टली लोग ये भी करते हैं कि नाशिक या द्वारका या कहीं से नियर बाय से कसारा तक आते हैं वाया टैक्सी और फिर यहाँ से लोकल से अपना आगे मुंबई के लिए जाते हैं.
इस तरह की शॉपिंग के भी अपने अलग ही मज़े थे। ये आदमी पोहा बेचता है 20 रुपये प्लेट। इस हाईवे के साथ लगती थी हमारी रेसिंग। एक कोई पर्टिकुलर कार गाड़ी वगैरह पकड़ लेते थे, फिर अपने भाई के साथ रेस लगाते थे कि वो सपोज़ येलो वाली तेरी है तो ये ट्रेन मेरी है, ये ट्रेन तेरी है तो वो ट्रक मेरा है, चल देखते कौन जीत रहा है। और भाई असली खुशी तो ये थी। ओला कैंडीज 10 रुपये में। हाँ, ये लोकल ट्रेन मुंबई की लाइफ लाइन। पहले इसके जो डब्बे है वो नीचे से आधा ब्राउन रहता था, ऊपर से आधा क्रीम रहता था। इस तरह से पटरी पर चल के शॉर्टकट लेना ठीक नहीं है यार। अपनी लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कितना भी आपका अर्जेंट काम हो, उस अर्जेंट काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी फैमिली और आपकी लाइफ है। हाँ, ये भी एक था यार कि कई सारी पटरियाँ आ जाती थी, फिर ट्रेन यहाँ वहाँ, तो ये कैसे होता है? ये देखिए, अभी ट्रेन यहाँ चल रही थी, अभी इस ट्रेन ने इस साइड टर्न ले लिया, तो ये कैसे हो गया? अभी ये पटरी सीधी जा रही तो ट्रेन इधर कैसे मुड़ गई? ये सब का एक अलग मज़ा था यार। देखिए, फिर यहाँ पर भी वही पब्लिक। हाँ, हम जो शूट कर रहे हैं, अब ये ना हो जाए कि यार आप भी तो दरवाजे में खड़े होकर शूट कर रहे हो, आपको भी बैठना चाहिए और ये वो। तो भाई, हम अपना ट्राईपॉड और ले करके पूरा सेफ्टी में शूट हो रहा है, ठीक है? और कई जगह मैं खड़ा भी हूँ तो अपना जो फ्रेंड लोग है वो अपना सही से मेरे को होल्ड किए हुए हैं। ओके, चलिए, अपनी डेस्टिनी आ गई। आज वीडियो बनाने के चक्कर में काफ़ी सारा बचपन रिकॉल हो गया और बहुत सी कुछ यादें थी जो ताज़ा हो गई। कल्याण स्टेशन आ गया। चलें, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।